नमस्कार मेरे भक्तों, आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में हम स्वागत करते हैं। और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये भक्तों उनके लिए है जो मंत्र जाप नहीं कर सकते। जी हाँ भक्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको भी होती है मंत्र जाप करते समय प्रॉब्लम, आप भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते मंत्र में, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, बिना किसी मंत्र के आपके शत्रु के एक्सीडेंट में होगी मौत। जी हाँ भक्तों, जो कोई इंसान दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान है, दुश्मन आपको धमकी दे रहा है, परेशान कर रहा है, बात बात पर आपसे झगड़ा कर लेता है, बात बात पर रिश्ता दिखाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये बिना मंत्र का टोटका जरूर इस्तेमाल करें। लाइफ में आ रही बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बहुत कारगर है। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी और इससे आपका काम भी बनेगा। तो वीडियो को अंत तक देखकर जानकारी हासिल करना और रिजल्ट पाना। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो पहली बार पहुंच रहे हैं प्राचीन मंत्र रहस्य चैनल पर, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्राचीन काल के हम वो टोटके बताते हैं जो कोई नहीं बताता। अगर आप भी प्राचीन काल के कुछ रहस्यमय टोटके जानना चाहते हैं जिससे आप अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर सकें, दुश्मन को बीमार, दुश्मन को बर्बाद, कंगाल करना या फिर दो लोगों में झगड़ा करना, किसी अन्य प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भक्तों हम वो बताएंगे जो कोई नहीं बताता। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप अपनी स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर कॉल कर अपनी हर एक समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। महान बाबा जी का ये नंबर है जिससे आप अपनी हर एक प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं और उसका समाधान गारंटी के साथ हासिल कर सकते हैं। देखिए भक्तों, जिंदगी है वैसे तो, और जिंदगी में सुख दुख छोटे मोटे चलते रहते हैं, लेकिन बड़ी समस्याओं का समाधान अक्सर कर लेना चाहिए, क्योंकि समय रहते अगर उनका इलाज हो जाएगा तो आपको किसी प्रकार की कोई हानि क्षति भी नहीं भुगतने पड़ेगी। तो मेरी तो यही दरख्वास्त रहेगी कि जो मैं टोटका आपको बता रहा हूँ, इसे पहले ध्यानपूर्वक सुने, समझे, फिर इस्तेमाल करें। तो करना क्या होगा, चलिए बता देता हूँ। देखिये, टोटका करने के लिए आपको आज सबसे पहले तो क्या करना होगा, किसी शमशान में जाना है। जी हाँ भक्तों, किसी शमशान में आपने अघोर रात्र, मतलब कि आपने आधी रात में जब बिल्कुल अंधेरा हो, आपने तब चले जाना। 1 या 2 बजे के करीब आप शमशान में जाकर बैठेंगे, एक चादर काले रंग की लेकर जाएंगे, और आपने साथ में क्या सामान लेकर जाना है आपने, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंदूर की डिब्बी लेकर जानी है, कपूर लेकर जाना है, 3 लौंग, 3 इलायची, और साथ में आपने 1.25 ग्राम जो थोड़े से होंगे, तो आपने क्या करेंगे, काले उर्द लेकर जाने हैं। तो ये सामग्री आपने साथ लेकर जाएं, कागज लेकर जाएं, कागज और पेन लेकर जाएं। अब सबसे पहले दुश्मन जो आपको तंग परेशान कर रहा है, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, उसको कोई तस्वीर बना लें जैसे आपसे बनती है। अगर आपके दुश्मन की तस्वीर आपके पास है तो वो चल जाएगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो सिंदूर है उससे आप फोटो के ऊपर लगा दें, अगर फोटो आपने बनाई है तो उसके ऊपर लगा दें। अब कपूर जला लें अपने सामने, 3 लौंग इलायची वहां रखते हुए आपने क्या करना होगा, उर्द की दाल बिखेर लेनी है वहीं पर, और अपने दुश्मन का नाम 7 बार बोलकर आपने क्या करना होगा, 7 बार पांव लगाने हैं। किसके ऊपर, कपूर के ऊपर, कपूर के ऊपर 7 बार पांव मारेंगे, दुश्मन का एक्सीडेंट करवाने का ये टोटका है भक्तों, बहुत ही शानदार टोटका मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे ही 7 बार पांव मारते हैं आप, तो दुश्मन का आपके मुख से नाम निकलना चाहिए। अब जो आपने जो कपूर जलाया था उसकी राख जो होगी, उसे लेकर आपने क्या करना होगा, शत्रु के पांव के नीचे गिराना, इतना सा काम करना है। ये काम करते ही रिजल्ट देख लीजिएगा, शत्रु तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर होगा, एक्सीडेंट पे होगी उसकी मौत। बहुत ही शानदार है, खतरनाक टोटका मैंने आपको बताया है। अगर किसी भी प्रकार की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर दिया। भक्तों, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या का हल करवाना हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं।